नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो इंडिया और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा आज यानी कि 20 अगस्त को डबलिन के मेलहाइट द विलेज में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7:30 बजे से यानी कि 7:30 PM से। तो आज की इस वीडियो में दूसरे T20 इंटरनेशनल मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच के लिए द विलेज की पिच रिपोर्ट क्या है। इसके अलावा दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली हैं, कौन से बदलाव आपको दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में नजर आ सकते हैं, जबकि दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में द विलेज की पिच पर कौन से गेंदबाज और बल्लेबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए। इसके अलावा दूसरे T20 इंटरनेशनल मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी करने वाला हूं। तो ओवरऑल A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस मैच से जुड़ी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और IPL से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच के लिए द विलेज की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम रीसेंट T20 इंटरनेशनल मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो जो लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस यहां पर हुए हैं उसमें से 3 मैचेस फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 2 मैचेस सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 165 रन का है और एवरेज सेकेंड इनिंग्स का स्कोर 139 रन का रहा है। तो पिछले 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस में भले ही फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने में या फिर सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि द विलेज स्टेडियम की पिच पर जो टीम सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करती है उस टीम को ज्यादा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि द विलेज स्टेडियम की पिच पूरे मैच में बल्लेबाजी के लिए काफी शानदार रहती है। इस पिच पर दोनों पारियों में बल्लेबाजी करना आसान साबित होता है क्योंकि गेंद बल्ले पर बहुत अच्छी तरीके से आती है, जिस वजह से बल्लेबाज काफी इंजॉय करते हैं इस पिच पर बल्लेबाजी करना। द विलेज स्टेडियम की पिच पर काफी अच्छा बाउंस भी अवेलेबल है और इस बाउंस को ट्रस्ट करके बल्लेबाज अपने शॉट्स बेहद आसानी के साथ खेल पाते हैं। इसके अलावा बाउंड्री डायमेंशंस भी शॉर्ट हैं, जिसके कारण आपको इस मैदान पर काफी ज्यादा चौके छक्के देखने को मिलते हैं और ये भी एक बड़ी वजह है जिस वजह से आपको द विलेज स्टेडियम पर यूजुअली हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं। हालांकि पहला T20 इंटरनेशनल मैच जो इस मैदान पर खेला गया था इंडिया और आयरलैंड के बीच में, उस मैच में आयरलैंड की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए सिर्फ 139 रन ही बना पाई थी, क्योंकि उस मुकाबले में आयरलैंड की टीम ने पावर प्ले ओवर्स में ही अपने 5 विकेट्स गवा दिए थे। हालांकि उसके बाद ये पिच बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल फ्लैट हो गई थी, जिस वजह से आयरलैंड के लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था। तो एक बार फिर से दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में भी दोनों इनिंग्स के जो पावर प्ले ओवर्स होंगे यानी कि शुरुआती 6 ओवर्स, वहां पर तेज गेंदबाजों को पिच से काफी मदद मिलेगी, उनकी गेंद स्विंग भी होगी, इसके अलावा उनको पिच से सी मूवमेंट और अच्छा बाउंस भी मिलेगा। तो पावर प्ले ओवर्स में दोनों टीमों के लिए बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल साबित हो सकता है, लेकिन एक बार पावर प्ले ओवर्स अगर बल्लेबाजी टीम संभल कर खेल जाएगी तो फिर यहां पे आपको काफी बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा। और इस मैच के लिए मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर आयरलैंड की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करती है और पावर प्ले ओवर्स में 2 से ज्यादा विकेट्स नहीं गवाती है तो आपको पहली पारी का स्कोर 170 से 180 के बीच का नजर आ सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर इंडियन टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करेगी तो आपको पहली पारी का स्कोर 190 से 200 के बीच या फिर इसके ऊपर का भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके बावजूद पिच की कंडीशंस को देखते हुए मुझे लगता है कि इस दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में भी जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगा, क्योंकि चेस करने वाली टीम को इस मैच में एक बार फिर से एडवांटेज मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले इंडियन टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें तो इंडियन टीम ने पहले T20 इंटरनेशनल मैच में डकवर्थ ल्यूस नियम के तहत
भले ही 2 रनों से जीत दर्ज करी थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि आपको इंडियन टीम की प्लेइंग 11 में शायद एक बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि हाल फिलहाल में अर्शदीप सिंह काफी ज्यादा इनएफेक्टिव रहे हैं। बहुत ही खराब गेंदबाजी उनकी तरफ से हमें देखने को मिल रही है। पहले T20 इंटरनेशनल मैच में भी आयरलैंड के खिलाफ 35 रन देकर सिर्फ 1 विकेट लिया था, और आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह को टोटल 22 रन भी पड़े थे, जिसमें बैरी मैकर्थी ने 2 छक्के और 1 चौका भी लगाया था। तो यहां पर शायद एक बदलाव हो सकता है और टीम आवेश खान या फिर मुकेश कुमार के साथ जा सकती है। तो आपको इंडियन टीम की जो प्लेइंग 11 है वो कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल के साथ ऋतुराज गायकवाड़, जो कि इस T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के वाइस कैप्टन है। नंबर 3 पर आ सकते हैं तिलक वर्मा, नंबर 4 पर रिंकू सिंह, नंबर 5 पर विकेट कीपर बैटर संजू सैमसन, नंबर 6 पर शिवम दुबे, नंबर 7 पर वॉशिंगटन सुंदर, नंबर 8 पर अर्शदीप सिंह या फिर आवेश खान या फिर मुकेश कुमार में से कोई एक खेल सकता है, नंबर 9 पर रवि बिश्नोई, नंबर 10 पर कैप्टन जसप्रीत बुमराह और नंबर 11 पर प्रसिद्ध कृष्णा आ सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच के लिए आयरलैंड की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो आयरलैंड की टीम को पहले T20 इंटरनेशनल मैच में हार का सामना जरूर करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि आपको इनकी प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव देखने को मिलेगा, और मोस्ट लाइकली आयरलैंड की टीम अनचेंज्ड प्लेइंग 11 के साथ इस मैच में आपको खेलते हुए नजर आ सकती है, जहां पे आपको आयरलैंड के लिए एक बार फिर से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे कैप्टन पॉल स्टर्लिंग के साथ एंड्रू बेलबर्नी, नंबर 3 पर आ सकते हैं विकेट कीपर लॉर्कन टकर, नंबर 4 पर हैरी टेक्टर, नंबर 5 पर कुर्तिस कैम्फर, नंबर 6 पर जॉर्ज डॉकरल, नंबर 7 पर मार्क एडर, नंबर 8 पर बैरी मैकर्थी, नंबर 9 पर क्रेग यंग, नंबर 10 पर जॉर्ज लिटिल और नंबर 11 पर बेन वाइट आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे T20 इंटरनेशनल मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लें, तो इंडिया और आयरलैंड के बीच अभी तक क्रिकेट के इतिहास में टोटल 6 T20 इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं और सभी 6 मैचेस इंडियन टीम ने जीते हैं। तो ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड में इंडियन टीम का पलड़ा साफ तौर पे भारी है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें दोनों टीमों की T20 इंटरनेशनल्स में रीसेंट फॉर्म के बारे में, तो इंडियन टीम ने जो लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उसमें से 3 मैचेस जीते हैं, जबकि 2 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ आयरलैंड की टीम ने जो लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उसमें से 3 मैचेस जीते हैं, जबकि 2 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। तो अगर आप दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म का कंपैरिजन करोगे तो दोनों टीमों की हालिया फॉर्म एक जैसी ही नजर आ रही है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मैदान पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की। तो आयरलैंड की टीम ने इस मैदान पर जो पिछले 10 मैचेस खेले हैं उसमें इनका विनिंग परसेंटेज मात्र 20 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। दूसरी तरफ इंडियन टीम ने जो इस मैदान पर 5 मैचेस खेले हैं उन सभी 5 मैचेस में जीत हासिल करी है, यानी कि इंडियन टीम का विनिंग परसेंटेज 100 है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। एवरेज स्कोर के मामले में भी इंडिया बेहतर है 160, जबकि आयरलैंड का 149 है। हाईएस्ट स्कोर के मामले में भी इंडियन टीम बेहतर है 225, जबकि आयरलैंड का 221 है। और लोएस्ट स्कोर के मामले में आयरलैंड बेहतर है 70, जबकि इंडिया का 47 है। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की, जो कि इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बैटर्स की बात कर लें तो आप आयरलैंड की तरफ से पॉल स्टर्लिंग के साथ जा सकते हो। पिछले 9 मैचेस में 227 रन बनाए हैं 32 के एवरेज और 156 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप कुर्तिस कैम्फर को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 222 रन बनाए हैं 44 के एवरेज और 143 के स्ट्राइक रेट के साथ। जबकि आप आयरलैंड की तरफ से बैरी मैकर्थी के साथ भी जा सकते हो, जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। पिछले मैच में भी तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली थी। दूसरी तरफ इंडियन टीम की तरफ से आप तिलक वर्मा के साथ जा सकते हो, जो कि इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं। पिछले 6 मैचेस में 173 रन बनाए हैं 43 के एवरेज और 139 के स्ट्राइक रेट के साथ। जबकि आप यशस्वी जायसवाल को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 4 मैचेस में 114 रन बनाए हैं 38 के एवरेज और 142 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो अगर हम सबसे पहले आयरलैंड के बॉलर्स की बात कर लें तो यहां से आप राइट आर्म फास्ट बॉलर मार्क एडर के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 18 विकेट्स लिए हैं 7 की इकोनॉमी और 11 के स्ट्राइक रेट के साथ। जबकि आप राइट आर्म लेग स्पिनर बेन वाइट को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 14 विकेट्स लिए हैं 7 की इकोनॉमी और 13 के स्ट्राइक रेट के साथ। दूसरी तरफ आप इंडियन टीम की तरफ से लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह के साथ जा सकते हो, अगर ये मुकाबला खेलते हैं।
पिछले 10 मैचेस में 16 विकेट्स लिए हैं 8 की इकोनॉमी और 12 के स्ट्राइक रेट के साथ। अगर ये मुकाबला नहीं खेलते हैं तो इनकी जगह पर आप राइट आर्म फास्ट बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा के साथ जा सकते हो, जिन्होंने पिछले मैच में भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी थी और 2 विकेट्स चटकाए थे। इसके अलावा आप राइट आर्म ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 4 मैचेस में 3 विकेट्स लिए हैं 5 की इकोनॉमी और 20 के स्ट्राइक रेट के साथ। जबकि आप राइट आर्म फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह के साथ भी जा सकते हो, जिन्होंने पिछले मैच में शानदार वापसी करी थी और 2 विकेट्स चटकाए थे। और अंत में दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में। तो इंडियन टीम ने पहले T20 इंटरनेशनल मैच में डकवर्थ ल्यूस नियम के तहत मात्र 2 रनों से जीत हासिल करके इस 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। और अब इंडियन टीम को इस T20 सीरीज को जीतने के लिए बाकी बचे 2 मैचेस में से कम 1 मैच और जीतना होगा। तो वहीं आयरलैंड की टीम के लिए अब बाकी बचे 2 मैचेस करो या मरो के होने वाले हैं। अगर आयरलैंड की टीम को ये सीरीज जीतनी है तो जो प्रेशर है वो अब आयरलैंड की टीम के ऊपर ज्यादा रहेगा। पहले T20 इंटरनेशनल मैच में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करी थी और आयरलैंड की टीम को फर्स्ट इनिंग्स में मात्र 139 रनों पर रोक दिया था, जहां पर हमें जसप्रीत बुमराह की शानदार वापसी देखने को मिली थी। वापसी करने के बाद अपने पहले ही मैच में जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, क्योंकि उन्होंने उस मैच में 24 रन देकर 2 विकेट लिए, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने वापसी के बाद अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट चटकाए थे और बेहतरीन गेंदबाजी करी थी। इसके अलावा राइट आर्म फास्ट बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा को भी 2 विकेट मिले थे, जबकि राइट आर्म लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने भी 2 विकेट लिए थे। तो वहीं दूसरी तरफ आयरलैंड के बल्लेबाजों ने काफी ज्यादा निराश किया था, स्पेशली टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से बिखर गया था, लेकिन लोअर ऑर्डर में आयरलैंड के बल्लेबाजों ने काफी जुझारू प्रदर्शन किया था, जिस वजह से आयरलैंड की टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाई थी। तो इस मैच में अगर आयरलैंड की टीम को बेहतर प्रदर्शन करना है और इंडिया के सामने चुनौती पेश करनी है तो ज्यादा बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि इंडिया के पास काफी ज्यादा स्ट्रांग बॉलिंग अटैक है। ऐसे में दोस्तों मुझे लगता है कि इस दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच के लिए भी इंडियन टीम फेवरेट्स है, और इसलिए दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच की जो मेरी विन प्रेडिक्शन है वो एक बार फिर से इंडियन टीम के साथ ही जाने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की। आपको क्या लगता है किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है और आपके हिसाब से कौन सी टीम ये दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच जीतेगी, इंडिया या फिर आयरलैंड? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।